नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई की सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 53,033 श्रेणी शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों व प्रयोगशाला सहायकों के पद है वो रिक्त पड़े हैं। अध्यापक लेवल 2 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ग्रेड प्रयोगशाला पुस्तकालय और प्रबोधक, इनके सबके हैं वो 53,000 पद है वो रिक्त पड़े हैं। रिजल्ट मॉडरेशन पोर्टल शुरू, 22 जुलाई मध्य रात्रि तक रहेगा ओपन। स्कूलों को पूरी करनी होगी CBSE कक्षा 11-12 के अंक मॉडरेशन करने की जिम्मेदारी। जयमन तीसरा सेशन, आज से 7 लाख विद्यार्थी आजमाएंगे अपना भाग्य भाग्य। एक सीट के लिए 4 आवेदन लॉटरी आज से है। महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया है, इस बार भी समय पर नहीं हो पाई जेट परीक्षा, अब 8 को होगी। 877 अभ्यर्थियों को मिल सकती है सौगात रीट 2016 के अंग्रेजी विषय के विद्यार्थियों के लिए। कृषि व्याख्याता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग, अभ्यर्थियों ने RPSC कार्यालय के बाहर मार्च निकालने का प्रयास किया। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की है वो मांग की जा रही है नियमित। शिक्षक लगा रहे अधिकारियों और नेताओं के चक्कर, तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की दौड़ है वो हो रही है। आयोग इसी सप्ताह जारी कर सकता है RS 2021 का भर्ती विज्ञापन, कार्मिक विभाग ने आयोग को भिजवाई है अभ्यर्थना। ADJ भर्ती में EWS को आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया है। UGC का फैसला, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए ये दाखिला के लिए नहीं होगा कॉमन टेस्ट, उसके लिए। आज के समाचार यहीं से होते। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।